तो भाई एक रिकैप दे देते हैं। एक ना रिकैप ले लेते हैं। तो 60 रुपए में आपको मिलेगा छोटा वाला रूम जिसमें 2 बेड होंगे, और 40 रुपए में मिलेगा आपको बड़ा वाला रूम जिसमें 4 बेड हो गए। यहाँ पे रहने के ना 3 रूल्स हैं। यस, पहला रूल है। कैसे हो सर? एकदम अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा हमें बताएंगे कि अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। चले अंदर? चलो आइए। कैसे कहे क्यों हम गए ऐसे बन, बैठे रहे फिर हम गए। इधर 51 रूम है, 51 रूम्स और 3 जनरल हॉल है। 3 जनरल हॉल, डॉर्मेट्री। अच्छा। एक डॉर्मेट्री में 15 लोग हैं, तो 45 लोग रहते ऊपर चौथे माले पे। अच्छा, ओके ओके। ये हमेशा फुल ही रहता है? फुल रहता है। अच्छा, सब जे जे हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, KM हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं के रिश्तेदारों को हम इधर रखते हैं, पेशेंट और उनके रिश्तेदार। अच्छा, पेशेंट और उनके ट्रीटमेंट चालू है तब तक। 1954 में बनी है। संत गाडगे बाबा ने खुद बनाया है। 2 माले जो है बाबा के हाथ के हैं। अच्छा। 12 रूम, पहले 12 रूम थे खाली। अच्छा, पहले 12 रूम नीचे से यहाँ तक। अच्छा। बाद में फिर 78 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। 78 में। अच्छा। मोहन लाल मेहता, इन्होंने हमको बढ़ा के दिया है। फिर अभी 51 रूम है, पहले 12 ही रूम थे। हमने सुना है कि आप 60 रुपये में रूम देते हो और 35 रुपये में एक आदमी को। हम रूम में एक आदमी को 60 रुपये लेते हैं। अच्छा। और डॉर्मेट्री में 40 रुपये लेते हैं पर डे फुल डे। और 40 रुपये में उनको चाय नाश्ता और 2 टाइम खाना देते हैं। अरे वाह, 40 रुपये में। और सब आउट ऑफ बॉम्बे के लोगों को नहीं। अच्छा, मुंबई के लोग। हाँ, सर, सब पूरे इंडिया से लोग आते हैं सब। ओह, ये खुद बनाए 12 रूम। ये पहले ये 1954 में ये 12 रूम जो है ना, ये सारे 12 रूम जो दिख रहे हैं वो संत गाडगे महाराज ने बनाए। मोहन लाल मेहता ने हमको पूरा करके दिया है। अच्छा, नया। अच्छा, ट्रस्टी उनके लड़के जो है अश्विन भाई मेहता करके। हाँ हाँ, उन्होंने वो ट्रस्टी है, मैनेजिंग ट्रस्टी है। करेक्ट करेक्ट। ये 4 बेड का रूम है। ये 4 बेड का, 4 लोग रह सकते हैं। फैन वैन सब कुछ है, वॉशरूम भी है, टॉयलेट बने सब। अच्छा, हमारा लड़का है कैसे? CST में धर्मशाला है हमारा दूसरा। अच्छा, CST में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, तो नया बनाया वो 2010 में। अच्छा, ये चलाता है उधर। तो वहाँ पे भी सेम नाम, सेम चार्जेस, सेम। ये देखो, पूरा 2 बेड वाला रूम है, अटैच बनाया अभी। हाँ, ये अटैच बाथरूम फिलहाल नया बनाया अभी। किचन देख लेते हैं कि कहाँ पे जो खाना बनता है। 2 टाइम खाना मिलता है, 2 टाइम खाना, लंच और 1 रात को डिनर। हाँ, 40 रुपये में। हाँ, और वो भी 40 रुपये में कॉस्टिंग है। ये बाबा का फोटो है खाना खाते। किचन यहाँ पे खाना बनता है। बहुत क्लीन रखते हो आप पूरा, एकदम हर जगह पे एकदम क्लीन, एकदम क्लीन नीट है। और गाडगे महाराज। हाँ, अच्छा, टुकड़ो। ये देखिए, ये टुकड़ो जी महाराज है और ये संत गाडगे महाराज है। हाँ, ये देखो, ये डॉर्मेट्री। सब पेशेंट हॉस्पिटल गए। अच्छा। एक मेन चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे ना सारी चीज़ें आप देखोगे ना बहुत क्लीन है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत क्लीन है। बल्कि ये डॉर्मेट्री में कितने 40 लोग रहते हैं। हाँ, 40 लोग रहते हैं ये डॉर्मेट्री में। अभी तो चलो सारे अपने रिलेटिव्स गए हैं अपने पेशेंट्स को देखने, बट आप कंडीशन देख लो कितना क्लीन है। ये दूसरा डॉर्मेट्री है जहाँ पे लोग पेशेंट सारे। ये जगह के बारे में कैसे पता चला? से पता चला। अच्छा, एक दूसरे से। अच्छा, मतलब कहीं पढ़ा था ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। अच्छा। अच्छा, विदर्भ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपका बच्चा एडमिटेड है अभी कहाँ? टाटा में साइन हॉस्पिटल। क्या हुआ? ब्लड कैंसर। ओ, अच्छा अच्छा। तो अभी हो रहा है इलाज? अच्छा हो रहा। मेरा नाम पिंटू दास है, हम आसाम से है। आसाम से। अच्छा, ओके। अच्छा, हम तो मुंबई में पहले को भी नहीं आया। हाँ। तो यहाँ कहाँ रहना है, होटल में बहुत महंगा है। हाँ। तो इसमें तो बहुत सस्ते में मिलता है, ये लोग अच्छे तरह का। जब प्लाट दिया जो जगह, हाँ, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जगह दिया है। अच्छा, उनको फ्री में दिया होगा ना? फ्री में। हाँ। 1 रुपया लगता है साल का। अच्छा। 99 साल के लीज पे दिया है। हाँ। अच्छा। बैंक बीजी खेर मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के पहले। अच्छा, बीजी खेर। अच्छा, उन्होंने जगह दिया है। तो RR पेन के जो मालिक थे वो गाडगे बाबा के भक्त थे। उन्होंने वो टाइम पे 50,000 रुपये दिया और उससे फिर ये 12 रूम बनाए। 12 रूम बनाए। अच्छा 78 में मोहन लाल मेहता मिले हमको, उन्होंने बना दिया पूरा पे बाकी का पूरा। यहाँ पर जो रोज़ हम भोजन देते हैं तो कोई लोगों को डोनर लोग देते हैं हमको, किसी का जन्मदिन है, किसी के पिताजी की पुण्यतिथि है, फ़ोन करके बताते हैं कि भाई ये तारीख को हमारा बर्थडे है लड़के का, तो खाना देने का इधर, तो हम उस दिन उनके नाम से खाना देते हैं, बोर्ड पे नाम उनका लिखते हैं। अच्छा हाँ, और 5,500 रुपये एक दिन का खर्चा है खाने का। हाँ तो सब 80-90 लोग खाना खाते हैं उसमें। कितने टाइम का खाना? अपना 3 लोग सुबह चाय नाश्ता, हाँ दोपहर का खाना रोटी सब्जी चावल और एक स्वीट, हाँ पेट भर के खाना, बाद में 5 बजे 1 कप चाय, हाँ और रात को फिर रोटी सब्जी चावल खाना। कोई आया और वो बोला कि नहीं मेरे पास, मैं तो एकदम ही गरीब हूँ, एकदम ही है मेरे पास 40 भी नहीं है देने के लिए, एकदम ही मेरा हालत ऐसा है, तो उसमें अपन क्या करते हैं? उसमें हम एक डोनर है हमारे पास, 1-2 डोनर लोग, उन्होंने हमको बोला है कि ऐसा कोई आया भाई तो उसके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि सही में नहीं है, क्योंकि लोग मिसयूज करते हैं ना, बराबर। हाँ तो सही में इसके पास नहीं है कुछ, तो फिर वो डोनर को हम बताते हैं कि वो उसका रहने का खाने का सब खर्चा हो जाए हमको देते हैं। ये शंकरा हिंदू मिशन माटुंगा में है, इन्होंने इनका हमको बहुत अच्छा सपोर्ट है डोनेशन के लिए। अच्छा उन्होंने हॉल बना दिया है, बाद में सोलर वाटर गर्म पानी नहाने के लिए लोगों को। दूसरी बात, हर महीने को 70,000 से 75,000 का किराना हमको देते हैं। कैसे कहे क्यों हम गए ऐसे बन, बैठ रहे फिर हम गए ऐसे गुम, धूप अदा से बड़ी आ गई, यूं निगाहें गुनगुना गई। जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। भाई निकल गए हैं धर्मशाला से, क्या करेंगे पता है? आज हम लोग इमोशनल होके और बहुत इमोशनल था। आज हम गए बहुत ही मस्त वाली जगह पे, बहुत ही क्लासिक जगह पे, एकदम मोटिवेटेड हो गए और बहुत मोटिवेटेड हुए, बट इमोशनली बहुत मोटिवेटेड हो गए। मुंबई में ये जगह है जहाँ पे आपको घर मिलेगा 60 रुपए में, 60 रुपए में। ये जगह का नाम है संत गाडगे महाराज धर्मशाला, ये लोकेटेड है जे जे हॉस्पिटल के बाजू में, बाईकाला में। स्टोरी शुरू होती है 1950s में, जब संत गाडगे महाराज यहाँ आए थे और उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि बारिश में भीग रहे, उनको रहने की जगह नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने धर्मशाला बनाई। यस, मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एड्रेस तो नीचे डाल दूंगा, जो इनके मेन है एकनाथ जी, हाँ इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी नीचे लिख दूंगा, तो किसी को भी नीडी को जरूरत है, किसी को भी, तो वो कर सकता है। पर सारे रूल रेगुलेशन पहले वीडियो में देख लेना, इसके थोड़े रूल्स भी है कि कौन लोग आके यहाँ रह सकते हैं, वो आप। एंड वी विश के यहाँ पे कोई नहीं आए, कोई ना ही आए तो बेटर है, बिकॉज जिनके पेशेंट हैं, बहुत बीमार हैं, वो लोग आके यहाँ रह रहे हैं और ऑफ कोर्स हैप्पीनेस में तो नहीं रह रहे होंगे, बट फर्क क्या रहे हैं। तो भाई एक रिकैप दे देते हैं, एक ना रिकैप ले लेते हैं। तो 60 रुपए में आपको मिलेगा छोटा वाला रूम जिसमें 2 बेड होंगे, और 40 रुपए में मिलेगा आपको बड़ा वाला रूम जिसमें 4 बेड हो गए। यहाँ पे रहने के ना 3 रूल्स हैं। यस, पहला रूल है, रूल नंबर 1 है कि आप मुंबई के बाहर के होने चाहिए, मतलब आउट ऑफ मुंबई के होने चाहिए, मुंबई के रेजिडेंट्स को नहीं है। यस, बाहर के। और सेकंड रूल है कि आपका पेशेंट नायर हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, जे जे हॉस्पिटल या ऐसे वैसे किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड होना चाहिए, ये लोग सर्टिफिकेट मांगेंगे देखने के लिए। और थर्ड रूल है कि आप 3 महीने तक ही यहाँ पे रह सकते हो। अगर 3 महीने से अगर आपका इलाज एक्सटेंड हो रहा है या कोई भी तरीके से एक्सटेंड हो रहा है, तो आपको उनसे बात करके वो एक्सटेंशन का बात करनी पड़ेगी कि हमको यहाँ से आगे भी रहना है। तो एंड में श्री संत गाडगे महाराज की जय। हाँ तो भाई चलो माइक बीच में रखा बिकॉज मेरा माइक बंद हो गया था। तो उसके बाद हम लोग एक्चुअली एक जगह पे ना मिसल पाओ खाने चले गए थे, वहाँ पे इतना शूट नहीं किया क्योंकि बंद हो रहा था। तो आज का आपको संत गाडगे महाराज का धर्मशाला वाला ब्लॉग बेटर लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन व्लॉग्स। ट्रिपल वी है, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो मिलेंगे कल और एक तड़कते भड़कते एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और सामने गाड़ी खड़ी हुई है, अकेली खड़ी है और बाहर खड़ी है। हाँ तो तू पार्किंग माशाल्लाह। कल एक बहुत मस्त वाला ब्लॉग आने वाला है तो वेट करना उसको। ओके 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 करेगा।